दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली साइंस फिक्शन मूवी मिस्टर इंडिया तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड एक्टर्स के रूप में नजर आए थे, जिनकी जोड़ी को इस फिल्म में काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म के माध्यम से हमें मोगैम्बो जैसा लेजेंडरी आइकॉनिक कैरेक्टर मिला था, जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। और आज पूरे 32 साल बाद इस फिल्म को दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन फिल्म के कैरेक्टर कौन से होंगे, फिल्म की स्टार कास्ट क्या होगी और फिल्म की कहानी में इस बार क्या नया देखने को मिलेगा, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मिस्टर इंडिया फिल्म के सीक्वल की जानकारी ही देने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। बॉलीवुड में इन दिनों सीक्वल फिल्मों का दौर चल रहा है और अब बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल की भी पिछले लंबे वक्त से चर्चा चल रही है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भले ही मिस्टर इंडिया के सीक्वल को बनाने से साफ इनकार कर दिया हो, लेकिन डायरेक्टर अली अब्बास इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्होंने इस फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार अली अब्बास जफर बहुत जल्द दर्शकों के सामने मिस्टर इंडिया 2 लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म रीमेक होगी या क्लासिक, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। इस फिल्म को बड़े बजट के साथ साथ काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म की कहानी और प्रोडक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अली अब्बास जफर ने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जहां एक तरफ अली अब्बास जफर इस फिल्म में अनिल कपूर के किरदार के लिए रणवीर सिंह को कास्ट करना चाहते हैं, तो वहीं मोगैम्बो के किरदार के लिए उन्होंने शाहरुख खान को अप्रोच किया है। पर खबरों के मुताबिक शाहरुख ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है, क्योंकि किंग खान अभी नेगेटिव किरदार प्ले नहीं करना चाहते, यानी कि शाहरुख खान हमें इस फिल्म में नहीं दिखेंगे। पर रणवीर सिंह मिस्टर इंडिया का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है। जहां एक तरफ फिल्म के लीड एक्टर को चुना जा चुका है, तो वहीं श्रीदेवी के कैरेक्टर के लिए दीपिका और आलिया को अप्रोच किया गया है, या फिर समय के साथ फिल्म में किसी और को ही श्रीदेवी के कैरेक्टर के लिए चुना जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब आती है और मोगैम्बो का आइकॉनिक कैरेक्टर इस फिल्म में कौन करता है। आपके हिसाब से इस फिल्म में मोगैम्बो के कैरेक्टर के लिए कौन सा अभिनेता बेस्ट रहेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।